नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बड़नगर उज्जैन शासन द्वारा ग्रामीणों की सुख सुविधा और मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है सरकार, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप शासकीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कार्य न करते हुए शासन की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं और उसमें गबन भी करते हैं, लेकिन जनता को सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं जिन्हें आवश्यकता होती है। कहीं गाँव ऐसे होते हैं जहाँ मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार करने के लिए शमशान तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं सही होता है। आज हम बात कर रहे हैं बड़नगर तहसील के ग्राम पंचायत सनावदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम इटावा की, जहां पर शमशान शेड तो ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है, लेकिन उस शमशान शेड तक शव को ले जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के पास खेत और जगह है वह अपने परिजन और रिश्तेदारों का दाह संस्कार अपने खेतों में कर देते हैं, लेकिन जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है उन्हें मजबूरी में गांव से 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे बनाए गए अब तक कीचड़ में मशक्कत करते हुए जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को ग्राम इटावा में देखने को मिला, जहां भारत सिंह चावड़ा की मृत्यु होने के पश्चात और वह असहाय गरीब होने के कारण उनके पास ना तो जमीन है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में उनकी मौत के बाद ग्रामीणों ने कीचड़ से सने मार्ग से होते हुए और खेतों के बीच में पैदल निकलने की पगडंडी से होते हुए शमशान तक पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव सहित जनपद सीएम सहित हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी आज तक किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ग्रामीणों की सुध नहीं ली, जिसके कारण आज भी ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते में शमशान तक जाने के लिए मजबूर है। बताएं गांव में क्या परेशानी है दादा? परेशानी ये है कि बाबू जी रोड नहीं है, बहुत दिक्कत है, गांव में पानी पूरा आई रो है। जो हम यहाँ शमशान में लाई गए पूरा गांव में पानी यहाँ आ गए, क्या लिख रही जाओ हम तो क्या शमशान नहीं बना क्या हो? शमशान बने हो, शमशान में भी कोई प्लास्टर के हेलस्टर कहीं भी नहीं। किस तरह की परेशानी आती है आने जाने में? आने जाने में यही परेशानी आती है कि नगर पाँव आना पड़ता है, कीचड़ बहुत है, कीचड़ में घड़ी आना पड़ता, मुर्दा नहीं बुलाओ तो के ना उन्हें सब के लाना पड़े। करी है पंचायत में? नहीं करी। करी 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 वगैरह मन मालम नहीं है जी। बताएं इटावा में शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है, लोग शमशान तक जा नहीं पाते हैं, डेड बॉडी जला नहीं पाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं देती। ग्रामीणों की यह भी कहना है कि हमने कई बार पंचायत में वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी हमने प्रस्ताव वगैरह भेजे हैं इसके लिए, स्वीकृति के लिए, स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। ग्रेवल रोड की स्वीकृति मिलती है गाँव से गाँव की, और वो शांति धाम के लिए अभी स्वीकृति नहीं मिल रही है, इसलिए। कितना समय हो गया स्वीकृति नहीं मिले? और आपने काफी समय जनपद से सर कितना समय हो गया आपने स्वीकृति मांगी? मतलब समय क्या, बार बार हम तो लिख के देते रहते, बाकी रोड की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण रास्ता नहीं बन पाया जी। बताएं कि आज ग्रामीणों ने एक शव को कीचड़ में दलदल में फंसते हुए निकाला गया, तो फिर आखिर ग्रामीणों के बगैर अनुमति से वहाँ शमशान कैसे बना दिया गया? शमशान की भूमि वही है, शुरू से जलाते वही आ रहे हैं, शमशान का अंतिम संस्कार। लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है जाने का? हाँ रास्ता तो नहीं, रास्ते के लिए हम, फिर जब रास्ता नहीं है तो वहाँ कैसे बना दिया गया? सर बता रहा हूँ, रास्ते के लिए हमने मांग करी है, बाकी रास्ता अभी रोड स्वीकृत नहीं हो रहा है वहाँ पे। आपका नाम बता? मनोज राणा। कहाँ के सचिव आप? सनावदा पंचायत। कीचड़ से सना हुआ है और कई सदियाँ हुई, ग्रामीणों का कहना है कि ये रोड अभी तक नहीं बना है, और साथ ही ग्रामीण परेशान होते हैं और मुर्दे को जलाना भी मुश्किल होता है शमशान तक जाने के लिए। आपके द्वारा जो है मुझे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है, और मैंने अभी जो है संबंधित क्षेत्र के बारे में पटवारी से जानकारी एकत्रित की है। वैसे अगर उसको पक्का बनाना होगा तो वो ग्राम पंचायत का मैटर है, परंतु वहाँ पर जो है वो राजस्व संबंधित कोई बाधा नहीं है, और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाऊँगा। समस्या अगर है तो उसके निराकरण के लिए जो है वो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे और संबंधित विभाग को सूचना दी जाएगी। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।
लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।